अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इस्तम सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्तम कुल। दोस्तों आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 37 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल्स इन एमएस एक्सेल। के हम एमएस एक्सेल में डेसिमल्स को किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आज किस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं जो आपकी रिजल्टेड वैल्यू होती है वो कभी कभी डेसिमल की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं तो हम ये चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू है, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगले नेक्स्ट कॉलम पे आता हूँ, इस सेल में मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा 10 को, ठीक है। सबसे पहले इक्वल्स टू लिखा, उसके बाद 10 को सिलेक्ट किया, उसके बाद डिवाइड कर दिया 3 पे। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देख सकते हैं रिजल्टेड वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में आ चुकी है। ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं हमें डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं या बिल्कुल हम खत्म करना चाहते हैं कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करें इस पर और फॉर्मेट सेल वाला ऑप्शन पे आएँ। फॉर्मेट सेल वाला ऑप्शन पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। इन नंबर वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको नजर आ जाता है डेसिमल प्लेस कि कितने डेसिमल्स आप रखना चाहते हैं, 1 रखना चाहते हैं, 0 रखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको सैंपल भी बता रहा है कुछ इस टाइप का शो होगा, जितने भी आप डेसिमल्स रखना चाहते हैं। मैं एक डेसिमल रखना चाहता हूं तो मैं इसे 1 पे कर देता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं, ये देख सकते हैं पॉइंट के बाद आपको एक डेसिमल जो है वो नजर आएगा, ठीक है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेट सेल पे आएँ और डेसिमल प्लेसेस को कर दें 2 कर दें, आप 2 डेसिमल रखना चाहते हैं, ठीक है, ओके क्लिक करें, ये पॉइंट के बाद आपको 2 डेसिमल्स नजर आएंगे, ठीक है। फिर से फॉर्मेट सेल वाला ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 3, मैं चाहता हूँ मेरे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स आएँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो है 3 डेसिमल्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर्मेट सेल वाला ऑप्शन पे जाएं, जितने डेसिमल्स रखना चाहते हैं बेशक जितने अपनी मर्जी के साथ रख सकते हैं, मैंने 11 कर दिया, ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपके पास 11 के 11 डेसिमल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरह से आप डेसिमल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन पे हैं, ठीक है, आप इसे टोटली आप 0 कर दें तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे डेसिमल्स, और ओके पे क्लिक कर दें, ऐसे ओके पे क्लिक कर दें, ये देख सकते हैं बिल्कुल डेसिमल खत्म हो चुका है, आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेसिमल्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सोच में से लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।